बात हो दोस्तों, वैसे टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है, तो आइए कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि मैंने इसके बारे में सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी ये बात लोगों से, तो वहाँ से कुछ लोगों के सजेशन आए थे कि भाई आप यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाइए। तो चलिए सोचा पूरा वीडियो ही बना देते ताकि आप लोगों को भी पता चले इसके बारे में, और इसी के साथ आप लोगों को ये रीज़न भी पता चल जाए कि इतने टाइम से हम एक्टिव क्यों नहीं थे यूट्यूब पर। तो चलिए यही कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो एक जगह हम चलते हैं, वहाँ पर कुछ किसी को खाना भी खिलाना है, तो वो काम भी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है। तो यहाँ पर VIP तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, गाड़ियाँ निकल रही, तो अपन किनारे पे चलते हैं, वहाँ बैठकर अच्छे से बातें करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं तालाब के किनारे पर, काफ़ी अच्छा नज़ारे हैं यहाँ के, शांत इलाका है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शिकार कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्स्ट पेमेंट आ चुका है यूट्यूब की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोग ये पूछेंगे, आखिर इतना लेट क्यों? तो चलिए आइए मामला समझा देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जब कोई बंदा यूट्यूब पर चैनल बनाता है और फिर उस पर वीडियोस डालता है तो मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज के बाद फिर पैसा जो भी बनता है तो वो उनके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है कि पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, बैंक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ही, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही फिर वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और यही वजह थी कि मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, हो ही नहीं पा रहा था। मैंने काफ़ी टाइम तकरीबन एक साल पहले से मैंने वो रिक्वेस्ट करना पड़ती है आपके पिन जनरेट करने के लिए, मैं वो कर चुका था लेकिन नहीं हुआ। वहाँ पर 3 से 4 बार ऑप्शन मिलता है कि आप रीसेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारे मैं यूज़ कर चुका था, सब खत्म हो गया था। इसी वजह से 4 से 5 महीने से कंटिन्यू मैं यूट्यूब वालों से मेल पर बात कर रहा था कि भाई मेरा ये ऑप्शन भी ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं, आपका अभी तक तो कोई मेल नहीं आया। काफ़ी टाइम से फिर मेल पर ही उनसे बात चल रही थी कि भाई आप, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ही कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो फिर उन्होंने मेल पर ही अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए और फिर उसमें तकरीबन 2 से 3 महीने लग गए, तब जाकर ये अपना पूरा वेरिफिकेशन कम्प्लीट हुआ, उसके बाद फिर विथड्रॉ हुआ। अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है सभी जगह पे आप लोगों की तरफ से कि भाई कितने व्यूज़ पर, कितने सब्सक्राइबर पर, कितने लाइक्स, शेयर, कमेंट्स पर कितना पैसा बनता है। तो सिंपल सा जवाब है, इनसे नहीं बनता। ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो के ऊपर कितने ज़्यादा एड्स आ रहे हैं। जैसे कि आप कोई किसी वीडियो को ओपन करके देखते हैं तो सबसे पहले एड दिखाई देता है, स्किप करें या नहीं करें, उसके बाद फिर वीडियो के बीच में भी कभी कभी आपको एड्स दिखाई देते हैं, एंड में जाकर भी एड्स दिखाई देते हैं। तो उस एड से जितनी बार एड्स रन होता है, यानी कि जितनी बार दिखाया जाता है, उसी के हिसाब से पैसा बनता है। अब बात करें कितने व्यूज़ पर कितने ऐड आते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये सब यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप एक वीडियो में यहाँ पर भोपाल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और यही वीडियो अगर पाकिस्तान में लोग देखेंगे तो वहाँ की करेंसी कम होने की वजह से वो जो एड्स रन होने के बाद जो पैसा आएगा वो कम आएगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी कम थी। और यही वीडियो अगर USA अमेरिका की तरफ के लोग देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कमाई की लाइन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ की करेंसी ज़्यादा है। तो यही पूरा खेल चलता है। तो इसलिए फिक्स कह पाना कि भाई आप एक वीडियो बना लेंगे, इस पर इतने व्यूज़ आ जाएंगे तो आप कितना पैसा कमा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कितना पैसा आया अपने पास। तो इसका जवाब ये है कि भाई मैं एग्जैक्टली तो आपको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बता देता हूँ कि आप कम से कम इससे एक कोई सेकेंड हैंड कार ज़रूर ले सकते हैं, इतना है अभी तो, और आगे जो भी होगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा।
आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, आगे भी अपन अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। और अभी कुछ टाइम से अपने वीडियोज़ आ नहीं रही थी, एक्टिव नहीं थे, क्योंकि वजह यही थी कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि यार वेरीफिकेशन के चक्कर में मैं रुका हुआ था, और मैंने तय कर लिया था कि यार जब तक ये हो नहीं पाता तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि यार अपन जिसकी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वहाँ से रिज़ल्ट ना मिले तो यार मन भी नहीं करता किसी काम के लिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि आउटपुट आना शुरू हुआ, तो अब अपन इनपुट भी लगाते रहेंगे, बस आप लोग साथ देते रहिए। और यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, तो हम तालाब के किनारे आए हुए थे। अगर आप अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाना चाहते हैं, तो आ सकते हैं VIP रोड के किनारे पर।